अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। भारत में आजकल ये शेर बिल्कुल मुसलमानों पर सही ठहरता है, इनके फिट है और अक्सर इसे कहा पड़ा भी जाता है, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। लिहाजा बीदर में हिंदुत्ववादियों की जानिब से तारीख महमूद गवान मस्जिद और मदरसे में दशहरे की रात को एक उन्मादी भीड़ जानबूझकर मदरसे और मस्जिद के इहाते में ताला तोड़कर दाखिल होती है और मदरसा मस्जिद इहाते में पूजा पाठ किया जाता है। सबसे ताज्जुब की बात यह है कि यह पुलिस की मौजूदगी में तमाम हरकतों को अंजाम दिया जाता है। खैर, अब इसे मेन स्ट्रीम मीडिया तो कवर नहीं कर सकती क्योंकि इनके जमीर, इनकी गैरत पहले से ही हुकूमतों के यहाँ गिरवी है। पर यहाँ मुसलमानों की जानिब से एहतजाज किया गया और आखिर में पुलिस ने 9 अपराधों पर मुकदमा दर्ज किया और 4 को गिरफ्तार भी कर लिया। वैसे 5 तारीख को इस मामले की रिपोर्ट अब तक किसी भी न्यूज चैनल ने नहीं की, लिहाजा आज कुछ चैनलों में दिखाया जा रहा है। मामला बढ़ता देख कार्रवाई करने की नौबत इंतजामिया पर आई, ऐसा भी कहा जा रहा है। अब इसे क्या कहा जाए कि मस्जिद मदरसे के इहाते में घुसकर इस तरह पूजा पाठ करना कहां तक दुरुस्त है? क्या अब मामला अपने तमाम हुदूद को पार कर आगे बढ़ चुका है? इत्तला के मुताबिक एक उन्मादी भीड़ 5 तारीख रात में नारेबाजी करते हुए ताला तोड़कर मदरसे में दाखिल होती है। महमूद गवान मदरसा मस्जिद एक तारीखी इमारत है और यह मदरसा मोहकमा सारे कदिमा के मातहत है, लेकिन इस तारीखी इमारत के तालों को तोड़कर एक भीड़ जो हमेशा की तरह जय श्री राम और जय हिंदू राष्ट्र के नारे हमेशा लगाते हैं, यहाँ पर भी यही नारे देते हुए दाखिल होती है और जबरन पूजा पाठ की जाती है। पुलिस की मौजूदगी में इन तमाम बातों को अंजाम दिया जाता है। गिरफ्तारी और मुकदमे इससे पहले भी दर्ज किए जा चुके हैं, पर इन्हें क्या अब कानून न्याय व्यवस्था का कोई डर नहीं रहा? क्या आने वाले चुनाव के मद्देनजर इस तरह किसी भी त्योहार के वक्त नारेबाजी इस मुल्क की संस्कृति या तहजीब बनती जा रही है? लिहाजा एक समाज को अगर कोई भी ईद त्योहार आता है तो डर और खौफ के साए में जीने की नौबत आती हुई नजर आ रही है। लिहाजा इस तरह की वारदातों का रियासत कर्नाटक में इजाफा किसी अनहोनी की तरफ इशारा करता है। पिछली मरतबा इसी तरह बसव कल्याण के पीरपाशा दरगाह में हिंदुत्ववादियों की जानिब से हरकत को अंजाम देने की कोशिश की गई थी। इसके बाद अड़द की दरगाह का भी मामला हमने देखा। इसी तरह राम सेना के कारकुनों ने दरगाह इहाते में दाखिल होकर पूजा पाठ को अंजाम दिया था और यहां पर भाजपा का लीडर भी शामिल था। इसके बाद तशद्दुद में तकरीबन 170 के करीब मुसलमानों को ही गिरफ्तार किया जाता है। रोजाना कुछ ना कुछ इसी तरह का माहौल बनाने की कोशिश पिछले कुछ सालों से रियासत में जारी है। बेलगाम की शाही मस्जिद का मामला हो, श्रीरंगपट्टन की मस्जिद आला, गदग की जामा मस्जिद, चिकमंगलूर की बाबा बुड़नगिरी का तनाजा, वैसे कई एक तवील फहरिस्त है। वैसे तो ये बाबा बुड़नगिरी का मामला तो काफी पुराना रहा है, कहां तक ये मामले इस तरह तवील होते जाएंगे? आखिर इन तमाम मामलों का खात्मा कब होगा? क्या महज चुनाव जीतने के लिए ऐसे मामलों को हुकूमत की जानिब से फरोग दिया जा रहा है, शय दिया जा रहा है? ऐसा भी शक अवाम की नजर में आ रहा है। अब बीदर की शाही मस्जिद और मदरसा, जिसे महमूद गवान मस्जिद मदरसा कहा जाता है, आप इमारत देख सकते हैं स्क्रीन पर। इस मदरसे मस्जिद की तारीख यह है कि 1460 में बहमनी सल्तनत के वजीर और इल्म माहिर महमूद गवान ने इसे तामीर किया था। लिहाजा आप इसी तारीखी इमारत की यह तस्वीर देख सकते हैं जहां कई कारकुनान सीढ़ियों पर मौजूद है। अब ताला तोड़कर दाखिल होना क्या पैगाम देता है? और इससे भी बढ़कर पुलिस की मौजूदगी में ऐसी वारदातें क्या अकलियतों के दिल में डर पैदा करना चाहती है? आखिर पुलिस ने उस वक्त क्यों लाठीचार्ज नहीं किया, मुकदमे क्यों दर्ज नहीं किए? इस तरह के सवालात भी आवाम की जानिब से किए जा रहे हैं। पुलिस की जानिब से कार्रवाई तब की गई जब मुस्लिम तंजीम इदारों और जमातों ने जुमा की नमाज के बाद बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतरने का इशारा दिया था। लिहाजा कार्रवाई करते हुए 9 अपराधों पर मुकदमे दायर किए, जिसमें 4 की गिरफ्तारी अमल में आने की बात कही जा रही है। अब मुस्लिम लीडरों के भी रद्द अमल को समझने की जरूरत है। कांग्रेस MLA रहमान खान ने जरा बराबर भी किसी तरह की तवज्जो नहीं दी, बजाय यहाँ पर फौरन वो मौजूद होते वो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी सोनिया गांधी के साथ वो दौरे पर है। और दूसरी तरफ यहाँ मकामी अगर MIM की बात की जाए तो MIM का कारकुनान खामोश रहते, लेकिन महज असदुद्दीन ओवैसी साहब जो सदर मजलिस है ट्वीट कर अपनी जिम्मेदारी से किनारा करते रहते हैं, तो मकामी कारकुनान खामोशी इख्तियार करते हुए देखा जाता है। लीडर ट्वीट करते हैं, कांग्रेस के लीडर यहाँ पर मौजूद नहीं रहते। अक्सर हमने देखा है कि किसी भी पार्टी के मुस्लिम कायद लीडरान कारकुनान ऐसे वक्त में खामोश ही रहते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इतना जरूर है कि जानबूझकर छेड़ने की कोशिश फिरका परस्तों की जानिब से की जा रही है, करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे, जिसके लिए मुस्लिम माशरे की मनसूबाबंदी जरूरी है। लेकिन साथ में अफसोस ये भी है कि कहीं पर इस तरह की उम्मीद नजर नहीं आ रही है, ये भी उतना ही सच है। जो रात में यहाँ पर लोग आए थे
वो लोगों का यहाँ पर घुसना, उनकी नीयत खराब थी, उन लोग बदमाशी से घुसे सो हैं, और वो लोग ना किसी मजहब से ताल्लुक रखते ना किसी इंसानियत से ताल्लुक रखते, क्योंकि किसी और मजहबी जगह पर मस्जिद पर आकर मस्जिद के ताले को तोड़ने की कोशिश करना और मस्जिद की बेहुरमती करना, ये बिल्कुल हिंदुस्तान के मुल्क के खिलाफ है, हमारे शहर को बदनाम करने की साजिश है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करता हूँ, ऐसे कमजरफों को जल्द से जल्द अरेस्ट करें। यहाँ के लोग जो आए हुए हैं, ये लोग किसी के गुस्से से नहीं आए हुए, एक उनके अंदर गुस्से के साथ साथ ये खौफ भी है कि आज हमारी मस्जिद पे हमला करें, कल हमारे घर का मुहाफिज कौन है, कल हमारे घर की गारंटी कौन लेते, कल हमारे घर की औरतें जो दूर दराज पढ़ने लिखने जा रही उसकी गारंटी कौन लेते। और एडमिनिस्ट्रेशन को इसका जवाब अपने एक्शन से देना होगा। और बच्चे गुस्से में हैं, बच्चों को हमने सबको रोक के रखा है, बच्चे गुस्से में भी हैं और बच्चों की अपनी फिक्र है और जायज़ फिक्र है, क्योंकि हमारी मस्जिद जो शहर के बीचों बीच है, पुलिस की निगरानी में मस्जिद के अंदर घुसकर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मीनार के ऊपर उसकी बेहरमती करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरे बच्चों का जिम्मेदार कौन है कि हमको हिंदुस्तान में रहने के बाद कि हमारे को जो हकूक है वो है या नहीं है। दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करें, दरवाजे में पत्थर डालें, शराब पीकर वहाँ गाली गलौज करें और वहाँ पर कुछ कलर वगैरह फेंकें, तो ये बिल्कुल बेहरमती है। हाँ बिल्कुल मालूम है, आई फिटनेस है, हम आई फिटनेस है और हम पूरों के नाम दे। बेलगाम शहर में कर्नाटक राज्योत्सव बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, लिहाजा इसी राज्योत्सव के मौके पर किसी तरह तनाव का माहौल ना रहे और खासकर डॉल्बी की इजाजत नहीं दी जाएगी और जो भी हुकूमत की गाइडलाइन के खिलाफ वर्जी करेगा इस पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा डीसीपी रविंद्र गढ़ादी ने आज कन्नड़ तंजीमों के साथ हुई मीटिंग में कहा। बेलगाम में बड़े पैमाने पर राज्योत्सव मनाया जाता है पर डॉल्बी से बचने की कोशिश करें, ऐसा मशवरा भी इस वक्त दिया गया। डीसीपी रविंद्र गढ़ादी, एसीपी चंद्रप्पा, एसीपी नारायण बर्मनी मौजूद रहे। आज गोकाक तालुका के अरबाव में पंचमशाली समाज का शानदार इजलास अमल में आया जिसमें पंचमशाली माशरे को 2A में दाखिल किया जाए, इस मांग को लेकर इजलास बुलाया गया था। एक तरह से ये पंचमशाली लिंगायत का शक्ति प्रदर्शन यानी कुवत का मुजारा कह सकते हैं। पंचमशाली माशरे को 2A के तहत रिजर्वेशन दिया जाए, इस तरह की मांग भी की गई और इसीलिए ये इजलास बुलाया गया था। इजलास में हजारों लोगों ने शिरकत की थी। इजलास की सदारत कुडल संगम के बसव जय मृत्युंजय स्वामी जी थे। इस इजलास को दिगर मेहमानवी रन्ना कड़ाडी, बसंगौड़ा पाटिल, यत्नाल लक्ष्मी हब्बाकर, चंद्रराज हट्टीवली, विजयानंद काश्यप नावर, विनय कुलकर्णी, एवी पाटिल, शशिकांत नायक मौजूद रहे। क्या ये इजलास आने वाले चुनाव के पस मंजर में तो नहीं लिया गया, इस तरह की भी बात आवाम में की जा रही है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।